नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मैं प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा, यानी किसका एलसीएम निकालना है। किसका 24, 36 और 40 का, तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, जो असली मेथड बताया था वो क्या बताया था कि जो भी नंबर है जिनका आपको एलसीएम निकालना हो उनमें से कोई भी एक नंबर आप एलसीएम ले लो अपनी इच्छा से। तो हमने मान लिया कि इसका एलसीएम कितना है 24। अब हम 36 के पास गए, तो 36 कितना होता है, 12 × 36 होता है। कितना होता है, 12 × 36 होता है। अब हम मैक्सिमम 24 से कितना ले सकते हैं, 12 है हमारे पास, 3 की कमी है, तो 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये संख्या 24 से भी कट रही है, 36 से भी कट रही है। बस अब हमारा लास्ट जो काम है वो ये है कि अगर ये संख्या 40 से भी कट जाए तो यही इसका एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अब 40 के लिए 40 × कितना होता है, 8 × 5 = 40 होता है, 8 × 5 = 40 होता है। अब 24 में 8 तो है हमारे पास, 5 की कमी है, तो हम 5 से गुणा कर देंगे, तो यही इसका एलसीएम होगा, क्योंकि ये संख्या जो है वो 24 से भी कटेगी, 36 से भी कटेगी और 40 से भी कटेगी, और ये मिनिमम संख्या होगी इससे कटने वाली। तो इसका एलसीएम कितना आया, 24 × 5 = 120 और 120 किया कितना हुआ, 360, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, 360 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 22, 54, 108, 135 और 198 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा, यानी कि इसका आपको एलसीएम निकालना है। किसका 22, 54, उसके बाद 108, फिर उसके बाद 135, फिर उसके बाद 198, कितना दिया हुआ है, 198, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप कुछ भी मान लो, तो हमने सबसे छोटा नंबर मान लिया, हमने मान लिया कि इसका एलसीएम कितना है 22। अब हमें पता है कि 54 कितना होता है, 27 × 2 होता है 54, तो 2 हमारे पास है, 27 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इसे 27 से गुणा कर दिया। अब ये संख्या 22 से कट रही है, 54 से कट रही है। अब 108 भाई कितना होता है, आपको पता है कि 54 दूना होता है 108, 54 दूना कितना होता है 108। अब 27 × 2 इधर मिल गया, यानी कि 27 × 2 कितना हुआ 54, 54 है हमारे पास, 2 से और हम गुणा करें तो हमारे पास 108 हो जाएगा, यानी कि अब ये संख्या 3 संख्याओं से कट रही है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, अब 135 आया, अब 135 कितना होता है, 15 × 135 होता है, कितना होता है, 15 × 135 होता है। अब 15 × अब इसे हम अगर 15 की बात करें, अगर 9 की बात करें तो 27 कितना होता है, 9 × 3 होता है, तो यहाँ पे 9 हमें मिल गया, 15 कितना होता है, 3 × 5 हो गया, तो 3 भी हमें यहाँ से मिल गया, बस 5 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसे गुणा कर देंगे, तो अब ये संख्या 135 से भी कट गई। अब 198 भाई कितना होता है, अगर हम 198 की बात करें तो 198 ये आपका 7 से कट जाता है, 7 से अगर हम काटें तो कितने बार जाएगा, 7 से 11 से कट जाएगा, 11 × 11 और 11 × 8 = 88, यानी कि 11 × 18 होता है 198। अब देखो 22 में हमारे पास 11 है, 22 में हमारे पास 11 है, 9 में यहाँ से मिल गया, 2 में यहाँ से मिल गया, तो ये कितना हो गया 198, यानी कि पूरा पूरा 198 है हमारे पास। देखिए यहाँ पे हमारे पास 11 है, 27 में 9 है और 2 ये 9 × 18, या हम यहाँ से बोल सकते थे कि 9 यहाँ से ले लें, 2 यहाँ से ले लें, तब भी 18, यानी कि पूरा पूरा 198 है हमारे पास। तो यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इससे 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 पूरी तरह विभाजित होगी, और वो छोटी से छोटी संख्या होगी। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, आंसर अगर हमें निकालना है तो हमें 22 और 27 की मल्टीप्लाई करना होगा, तो 22 और 27 की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, देखो 27 गुना कितना होगा 54, यहाँ से लगा 5, 27 गुना 54 और 5, 54 और 5 कितना हुआ 59, और 5 गुना 10 यानी कि 10 और बढ़ा देंगे, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 5940 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, 5940, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे,
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अब दो क्वेश्चन मैंने फ्रैक्शन के ले लिए ताकि फ्रैक्शन वाला भी फंडा में आपका क्लियर करा सकूं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, इसका एलसीएम आपको बताना है। किसका? 2/3, फिर बोला गया है 3/5, फिर बोला गया है 4/7, 9/13, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और हर का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यानी कि 2, 3, 4, 9 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम, और 3, 5, 7, 13 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी दूसरे से कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। ऊपर वाले का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो मान लिया एलसीएम 2 है, जब हम 3 के पास गए तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, जब 4 के पास गए तो 4 के लिए 2 तो है हमारे पास, 2 से और गुणा करना पड़ेगा तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। जब 9 के पास गए तो 9 कितना होता है, 3×3 होता है, 3 है हमारे पास, 2 से और गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2×3 = 6, 6×2=12, 12×3=36, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 36 होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, 36, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है 1.08, 0.36 तथा 0.9, इसका आपको एलसीएम बताना है। किसका? 1.08, फिर उसके बाद 0.36, फिर उसके बाद 0.9, इसका आपको एलसीएम बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हम यहाँ पे दशमलव हटा दें तो नीचे हम उतने जीरो बढ़ाएंगे एक के बाद, तो यहाँ पे 108/100 लिख सकते हैं, यहाँ पे 36/100 लिख सकते हैं, यहाँ पे 9/10 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम भाई क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम, यानी कि 108, 36 और 9 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और 100 और 10 का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा, 10 होगा। ऊपर वाले का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो हमने मान लिया कि इसका एलसीएम जो है वो कितना है, 9। जब हम 36 के पास गए तो 36 कितना होता है, 9×36 होता है, तो 4 से गुणा करेंगे। जब हम 108 के पास गए तो 108 कितना होता है, 36×3=108 होता है, तो 9×36 हमारे पास है, 3 की कमी है। अब ऊपर कितना आया, 9×36×3=108, और नीचे कितना है, 10। तो हम नीचे 10 है यानी कि 0 है, तो 0.1 अंक के बाद लग जाएगा, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 10.8 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 10.8, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। क्या बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर रिमाइंडर प्रत्येक दशा में कितना बचता है, आपका 2 बचता है। तो तुरंत आप देख के समझ गए कि यार ये दूसरे वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है, तुरंत आपको देख के समझ में आ गया होगा कि यार 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो इसका मतलब है दूसरे वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, 12, 16 + 2। तो इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या हमने एलसीएम मान लिया, हमने मान लिया इसका एलसीएम 4 है। जब हम 6 के पास गए तो 6 कितना होता है, 2×3 होता है, तो 2 हमारे पास है, 3 की कमी है, 3 से गुणा करेंगे। 8 कितना होता है, 4×2 होता है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो गया। 12 कितना होता है, 4×3=12, 12 है हमारे पास। 16 कितना होता है, 8×2=16 होता है, 4×2=8 है हमारे पास, 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो गया। यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 4×3=12, 12×2=24, 24×2=48 और 2×5=50, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 6, 8, 12, 16 से पूरी तरह विभाजित होती है और रिमाइंडर प्रत्येक दशा में 2 बचता है। तो इसका आंसर कितना होगा, 50 होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे।
अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्या दिया हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचता है। तो तुरंत आप देख के समझ गए कि दूसरे वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 54+4। तो कैसे करेंगे, 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर रिमाइंडर प्रत्येक दशा में 4 बचता है। तो इसका आंसर कितना होगा, एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 54+4। तो इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, हमने मान लिया इसका एलसीएम 12 है। अब हम 15 के पास गए तो 15 कितना होता है, 3 × 5 होता है। तो 12 में 3 है हमारे पास, 5 की कमी, हमने 5 से गुणा कर दिया, हमें संख्या 12 से कट रही, 15 से कट रही। 20 के पास गए तो 20, 4 यहाँ पे 12 में और 5 है, 4 × 5 = 20 है हमारे पास। अब 54 कितना होता है, देखिए 18 × 3 = 54 होता है, और 18 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 × 3 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 6 × 3 बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास कितना है, 12 में 6 तो है हमारे पास, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9 की कमी है। तो 9 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये वाली संख्या 54 से भी कट जाएगी। तो ये इसका एलसीएम हुआ +4। अब 12 × 5 = 60 और 6 × 9 = 54 यानी कि 540 +4 यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 544 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, जितने भी फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। बस आपको क्लास को पूरा देखना है, अगर क्लास आपको समझ में आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सारे क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं ताकि मैं सारे पॉइंट आपको क्लियर करा सकूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है, 2 बचता है। अब यहाँ पे एक बात क्या बोल रही है, क्वेश्चन आपको क्या था कि 13 का आपको मल्टीपल बताना है, ऐसा मल्टीपल बताना है जो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचता है, 2 बचता है। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना होता तो इसका आंसर क्या होता, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7, 8+2। लेकिन यहाँ पे 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7, 8 × k+2 टाइप की संख्या होगी, जहाँ पे ये संख्या 13 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि हम k का मान रखेंगे, विभाज्य होनी चाहिए। अब k का हम ऐसा मान रखेंगे जो इस संख्या को पूरा पूरा 13 से काट दे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि तो अगर आप ऐसे ही यहाँ पे k का मान रखोगे तो आप फंस जाओगे। आपको मैं मान रखने का भी तरीका बताता हूँ कि आपको इसे कैसे और इजी करना है। इससे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना होगा, अब इसका एलसीएम ने मान लिया 4, 5 के पास गए तो 5 से गुणा करेंगे, 6 कितना होता है, 2 × 3 होता है, तो 2 है हमारे पास, 3 की कमी है, 3 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 8 के पास गए तो 8 कितना होता है, 4 × 2 होता है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 4 × 8, ये इसका एलसीएम हुआ × k+2 टाइप की संख्या होगी, यानी कि 4 × 5 = 20 × 60 और 60 × 2 कितना हुआ, 120 और 62 कितना हुआ, 84 यानी कि 840 k+2 टाइप की संख्या होगी जो कि 13 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर k का आप मान रखोगे 1, 2, 3 जहाँ पे आपका ये 13 से कटने वाली संख्या आ जाएगी वही इसका मान सेटिस्फाई होगा और वही इसका आंसर होगा, लेकिन ऐसे आप इसे नहीं कर पाओगे। आप क्या करो, सबसे पहले ये देख लो कि 13 के कितने मल्टीपल में जा सकता है, उसे आप अलग कर लो, फिर जो बचे उसमें मान रखो। जैसे अगर हम इसे 13 से काट के देखें, 13 से अगर काट के देखें तो कितने बार जाएगा, 3 × 6 = 78 कितना बचा, 2 × 4 = 4 यानी कि 6 बचा, 0 उतारा, 60 हुआ। अब कितने बार जा सकते हैं, 13 × 6 = 52 यानी कि 64 k बार चला गया, प्लस अगर 13 × 6 = 52 यानी कितना बचा, 8, तो 8 k + 2 इधर बचा। अब ये वाला जो है 64 बार चला गया इससे, अभी 13 का तो मल्टीपल है यानी कि बस इस नंबर को हमें 13 से
जहाँ पे 13 से कटने वाला आ जाएगा वही इसका मान सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये वाला नंबर इतना छोटा हो गया इसे आप इजीली चेक कर सकते हो। जैसे के बराबर अगर हम दो रखें, एक रखें तो 8 और 2 कितना हुआ 10, 13 से नहीं कटता। दो रखें तो 8 दूनी 16, 2 18 नहीं कटता। तीन रखें तो 8 3 24 और 2 कितना हुआ 26, यानी कि 13 से कट रहा है। तो के बराबर 3 पे सेटिस्फाई हो गया, जिसका आंसर कितना होगा 840। के का मान कितना आया 3 प्लस 2 तो कितना होगा 0, 4 12, 8 24 और 1 25 प्लस 2 यानी कि 2522 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा 2522। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है 2522, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लिया है, बस वहाँ पे डिजिट चेंज है। क्या बोला गया है कि 7 का न्यूनतम गुणांक, यानी कि यहाँ पे अब आपको 7 का मल्टीपल बताना है। 7 का न्यूनतम गुणक क्या होगा जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर 4 बचता है। तो अगर सिर्फ ये क्वेश्चन बोला जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 बचता है तो इसका आंसर क्या होता है एलसीएम ऑफ 6, 9, 15, 18 + 4। लेकिन यहाँ पे 7 का मल्टीपल निकालना है तो क्वेश्चन आपका इसी तरीके का होगा। क्या निकालना है आपको क्वेश्चन में 7 का मल्टीपल होना चाहिए और किससे किससे डिवाइड किया जाता है 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर रिमाइंडर आपको कितना बचता है रिमाइंडर बचता है 4। तो संख्या आपकी क्या होगी एलसीएम ऑफ 6, 9, 15, 18 इंटू के प्लस 4 टाइप की संख्या होगी। अगर 7 का मल्टीपल ना पूछा जाता तो ये के यहाँ पे नहीं होता, तो इसका आंसर कितना होता एलसीएम ऑफ 6, 9, 15, 18 + 4। अब ये जो संख्या है वो 7 से पूरी तरह आपकी विभाजित होनी चाहिए। के के जिस मान पे ये 7 से पूरा पूरा कटेगा वही मान इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले तो हमारा पहला काम है इसका एलसीएम निकालना। तो हमने मान लिया इसका एलसीएम 6 है, जब हम 9 के पास गए तो 6 कितना होता है 6 में हमारे पास 1 3 है, 9 कितना होता है 3 × 3 तो 1 3 से और हमें गुणा करना पड़ेगा। जब हम 15 के पास गए 15 कितना होता है 3 × 5 होता है तो 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 18 कितना होता है 6 × 3 = 18, देखो 18 पूरा पूरा है यानी कि इसका एलसीएम होगा के प्लस 4, यानी कि 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90। तो 90 के प्लस 4 टाइप की संख्या होगी जो कि 7 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि अभी आप के का मान ना रखो, अभी आप देखो कि 7 को कितने मल्टीपल आप इससे निकाल सकते हो। जैसे 7 हमने लिया तो 7 × 7 कितना बचा 2 0, 7 × 2 = 14 यानी कि 12 के हम इससे अलग कर सकते हैं। जब 7 × 14 हुआ तो इधर कितना बचा 6 के प्लस 4। अब बस यहाँ पे के का मान रख दो, जिस मान पे ये 7 से कटने वाला है तो वही इसको सेटिस्फाई करेगा। तो के बराबर अगर हम 1 रखें तो 6 × 4 = 10 हुआ, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 2 रखें तो 6 × 2 = 12, 12 × 4 कितना हुआ 16, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 3 रखें तो 6 × 3 = 18, 4 = 22, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 4 रखते हैं तो 6 × 4 = 24 और 4 × 28 यानी कि 7 से कट रहा है तो के बराबर 4 पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा 90 × 4 + 4 तो 9 × 36 यानी कि 360 + 4 यानी कि 364। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा 364 यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो ये आपको क्वेश्चन अगर इस तरीके का आएगा तभी आप कर ले जाओगे। इसमें एक तरीके का क्वेश्चन और आपका आता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी फॉर्मेट आपका मतलब हो ना पाए, सारे फॉर्मेट हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगला एक और फॉर्मेट पे इस पर क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या दिया हुआ है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। यानी कि 5 अंकों की आपको मैक्सिमम संख्या निकालनी है वो जिसे 3, 5, 8, 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 बचता है हर कंडीशन में। तो ये तो आपको देख के समझ में आ गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो दूसरे वाले फॉर्मेट पे है। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो इसका आंसर क्या होता एलसीएम ऑफ 3, 5, 8, 12 + 2।
लेकिन अब पांच अंकों की अधिकतम संख्या निकालनी है जो इससे कटे और दो रिमाइंडर बचे, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और इसके एलसीएम से पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे जो इसके एलसीएम से पूरी तरह विभाजित हो, और फिर दो ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसे बाद में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। अब पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले तो हमें इसे इसका एलसीएम निकालना होगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तीन हमने ले लिया, पाँच के पास गए तो पाँच से गुणा करना पड़ेगा, आठ के पास गए तो आठ से गुणा करना पड़ेगा। अब बारह कितना होता है, चार इंटू तीन, तो आठ में चार है और तीन यहाँ पे, यानी कि इसका एलसीएम कितना हुआ, तिपच पंद्रह, पंद्रह अट्ठे एक सौ बीस, यानी कि एक सौ बीस इसका एलसीएम आया। अब पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, नौ, नौ नौ टाइप की होगी। अब इस संख्या को हमें, ये जो पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो ऐसी निकालनी है जो 120 से पूरी तरह विभाजित हो, तो हम क्या करेंगे, इसको 120 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे इससे घटा देंगे, फिर दो हमें रिमाइंडर बचाना है तो फिर बाद में हम क्या करेंगे, दो इसमें ऐड कर देंगे। पहले हम 120 से कटने वाली बड़ी से बड़ी पांच अंकों की संख्या निकालेंगे, तो कितने वाले आ सकते हैं हम लोग, बासठ चौरासी, बासठ कितना होता है चौरासी, यानी कि बासठ चौरासी बारह अट्ठे छियानवे, तो आठ बार लेके जा सकते हैं, बारह अट्ठे छियानवे यानी कि 960, तो यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 3, फिर हमने 9 उतार लिया, अब कितने वाले आ सकते हैं, 12 तिया 36 यानी कि 360, तो 9 3 यहाँ पे बचा, 9 उतारा, फिर 12 तिया 36 यानी कि 360, कितना बचा यहाँ पे 39 बचा। तो 120 से कटने वाली अगर हमें संख्या निकालनी है तो इस रिमाइंडर को इससे घटाना पड़ेगा, यानी कि संख्या आपकी क्या होगी, 99 यानी कि 99,999 में से हम कितना घटा देंगे, 39 घटा देंगे, तो 39 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे कितना आएगा 0, 9 से 3 गया तो कितना बचा 6, यहाँ पे 9 9 9, एक्चुअल में संख्या क्या होगी, अब ये वो संख्या है जो 120 से पूरी तरह कटती है, लेकिन दो हमें रिमाइंडर बचाना है तो इस रिमाइंडर को हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअल में संख्या क्या होगी, 99,960 प्लस 2 यानी कि 99,962, कौन सी संख्या होगी, 99,962। तो उम्मीद है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब दो फॉर्मेट आपके और बचे हैं जो मैंने आपको बताए थे एलसीएम पे, उन पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, बोला गया है कि एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, जब 9 से भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है, जब 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है, तो संख्या क्या होगी। क्या बोला गया है कि 10 से भाग देते हैं तो 9 बचता है, 9 से भाग देते हैं तो 8 बचता है, 8 से भाग देते हैं तो 7 बचता है, तो तुरंत आप देख के समझ में आपको आ गया होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या में ज्ञात करनी है जो x कमा वाई कमा जेड से पूरी तरह विभाजित होती है और रिमाइंडर एक कमा बी कमा सी बचता है। देखो यहाँ पे 10 और 9 के बीच का डिफरेंस ए, 9 और 8 के बीच का डिफरेंस ए, 8 और 7 के बीच का डिफरेंस ए, यानी कि डिफरेंस बराबर है, तो इसका आंसर कितना होगा, एलसीएम ऑफ 10 कमा 9 कमा 8 माइनस के, और के का मान कितना है यहाँ पे 1, इनके बीच का डिफरेंस, तो हम निकाल लेते हैं, मान लिया 10 है इसका एलसीएम, 9 के पास गए 9 से गुणा करना पड़ेगा, 8 कितना होता है 4 दूनी 8 होता है, अब 10 में हमारे पास 2 है 4 से गुणा करना पड़ेगा माइनस 1, तो 9 4 36 यानी कि 360 माइनस 1 यानी कि 359 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 359 यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या बोला गया है कि चार अंकों की बा अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 तथा 20 शेष बचता है। तो क्या बोला गया है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसे किससे डिवाइड किया जाता है, 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका कितना बचता है, 11, 14, 17 और 20। तो आपको क्वेश्चन तुरंत देख के समझ में आ गया होगा कि तीसरे वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी कि के का मान कितना है 4, तो इसका आंसर सिंपली कितना होता है, एलसीएम 15 कमा 18 कमा 21 कमा 24 माइनस 4,
लेकिन यहाँ पे आपको चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो आप कैसे करोगे? पहले आप इसका एलसीएम निकालो, फिर इसके एलसीएम से चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इसके एलसीएम से पूरी तरह विभाजित होती है वो निकालो आप, और फिर उसमें से आप चार घटाओ। तो इसका हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं, समझ में आ गया होगा आपको फॉर्मेट। तो एलसीएम 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम कितना होगा? हमने मान लिया 15 है, 18 के पास गए तो 18 कितना होता है? 3 × 6 होता है, 3 है हमारे पास, 6 की कमी है। 21 के पास गए तो 7 × 3 = 21 होता है, 3 है, 7 की कमी है, 7 से गुणा कर लेंगे। 24 कितना होता है? 6 × 24 यानी कि 4 से गुणा करेंगे, ये इसका एलसीएम होगा। तो 15 × 6 = 90, 9 × 7 = 63 यानी कि 630, 630 × 6 कितना होगा? 0, 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 24 = 25, 2520। अब चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो 9 टाइप की होगी। अब 2520 से कटने वाली चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है, तो निकालते हैं भाई। 3 बार ले जा सकते हैं, 4 बार अगर ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 0, 3 × 6 = 15 और 3 × 6 = 1 कितना हुआ? 7। तो 9 आया यहाँ पे, 9 से 6 गया तो कितना बचा? 3। 9 से 5 गया तो कितना बचा? 4। 9 से 7 गया तो कितना बचा? 2। यानी कि ये रिमाइंडर बचा, ये इसमें से घटा देंगे तो 9999 इसमें से हम घटाएंगे कितना? 2439। तो 9 से 9 गया 0, 9 से 3 गया तो कितना बचा? 6। 9 से 4 गया तो कितना बचा? 5। 9 से 2 गया तो कितना बचा? 7। यानी कि 7560 ऐसी संख्या होगी जो 2520 से पूरी तरह विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पे 4 जो k का मान है वो हमें इसमें से घटाना होगा, यानी कि एक्चुअल में जो संख्या होगी वो क्या होगी? 7560 - 4 यानी कि 7556 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 7556 यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, और इसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या बोला गया है कि 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1/2 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हो तो फिर पुनः एक साथ कब बजेगी? यानी कि घंटियों को दोबारा बजवाना है, तो तुरंत आपको देख के समझ में आ गया होगा इसका हमें एलसीएम निकालना होगा इनके टाइम का। तो दोपहर में 12 बजे एक साथ बजी थी, यानी कि 12 PM पे बजी थी, तो कब दोबारा बजेंगी? जो इनके बजने का टाइम पीरियड होगा उनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और उस एलसीएम में वो दोबारा एक साथ बजेंगी। तो पहली घंटी जो है वो 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी कि 1/2 घंटा। 30 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करें तो 30/60 यानी कि 1/2 घंटा आएगा। दूसरी वाली जो घंटी है वो 1 घंटे के बाद बजती है। तीसरी वाली 1/2 घंटे यानी कि 2×1=2 और 1/3/2 घंटे के बाद बजती है। तीसरी वाली 1 घंटा 45 मिनट, तो 45 को अगर हम घंटे में चेंज करें, 15 × 45 = 15 × 6 = 60 यानी कि 4×1=4 और 3 7/4 घंटे के अंतराल पे ये बसती है। इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। अब फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है? ऊपर वाले का एलसीएम यानी कि 1, 1, 3, 7 का एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले का यानी कि 2, यहाँ पे जब कुछ नहीं तो 1 होगा, 2, 1, 2, 4 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर 1 ना होता तो इसका एलसीएम कितना होता? 2 होता। तो इसका एलसीएम कितना आया? 1। ऊपर वाले का एलसीएम कितना? 1×1×3×7। तो 21 घंटे के बाद ही दोबारा बजेंगे। 21 घंटा अगर जोड़े, देखो 12 में 12 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? रात के 12 बज जाएंगे, यानी कि AM आ जाएगा। और 12×9=21 होता है, यानी कि 9 और जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो 9 AM होगा, यानी कि सुबह के 9 बजे ये दोबारा एक साथ बजेगी, यानी कि 9 AM ये दोबारा बजेगी। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोशिश हमारी ये है कि यहाँ पे हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन कर लें जितने भी एलसीएम में आपके बन सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है कि 5 किलोमीटर की दूरी वाले वृत्ताकार पथ पर ABC एक स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय क्रमशः 2 / 1/2 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा तथा 2 किलोमीटर पर घंटे की गति से
दौड़ना आरंभ करते हैं तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, तो मिलन करवाना है कितनी देर बाद, यानी कि पहले तो हम निकालेंगे इनका टाइम और फिर उस टाइम का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे तो जो एलसीएम होगा उतनी देर के बाद ही मिलेंगे। एक वृत्ताकार पद है जिसकी दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, इसकी पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 किलोमीटर। तो पहला वाला जो ए है उसकी चाल कितनी है 2 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा, तो वो इसका चक्कर कितनी देर के बाद लगाएगा। अगर हम उसकी बात करें, बोला गया 5 किलोमीटर की दूरी वाले वृत्ताकार पथ पर ए बी सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय 2 से 1/2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो अगर हम ए का निकालें कि ए एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, तो इसका अगर टाइम निकालना है तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 5, चाल कितनी है 2 से 1/2, 2 से 1/2 का मतलब 2 × 2 = 4 और 1 × 5/2, तो 5/2 का मतलब क्या हुआ 2 आपका ऊपर आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 2 घंटा लगेगा इसका चक्कर लगाने में। अब हम बी का निकालते हैं कि बी को कितना टाइम लगेगा, अब बी जो है समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, तो चाल कितनी है इसकी, बी की चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि इसे टाइम कितना लगेगा 5/3 घंटा लगेगा बी को। अब सी का निकालते हैं, तो 5 किलोमीटर की दूरी है इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल जो है वो कितनी है 2 किलोमीटर पर घंटा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि इसे टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा 5/2। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल दें क्योंकि हमें ये बोला गया है कि कितनी देर के बाद मिलेंगे, यानी कि जो टाइम है उसका हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालो भाई, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं एलसीएम कितना होगा 2.5.5 का एलसीएम निकालेंगे और 1.3.2 का हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। अब एक यहाँ पे क्यों, क्योंकि 2/1 होगा, क्योंकि फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है इस वजह से इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, ऊपर वाले का 2 5 से अगर गुणा करें तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी है ही, इसका मतलब है कितना होगा 10 घंटे। तो दोबारा ये कितने देर के बाद मिलेंगे 10 घंटे के बाद मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या बोला गया है कि 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं, एक चक्कर पूरा करने में वे क्रमशः 200 सेकेंड 300 सेकेंड 360 सेकेंड 450 सेकेंड लेते हैं, कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पर वे एक साथ मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दी थी और स्पीड दी थी, तो वहाँ पे आपको पहले टाइम निकालना पड़ा और फिर उसका एलसीएम निकाल के आप बता पाए कि कितनी देर के बाद मिलेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो 4 धावक हैं उनका टाइम आपको दिया है, अब मिलन उनका कराना है, यानी कि इनका जो टाइम है उसका हमको एलसीएम निकालना है। तो पहला जो धावक है वो 200 सेकेंड में चक्कर लगाता है, तीसरा जो है वो 300 सेकेंड में लगाता है, दूसरा 300 सेकेंड में लगाता है, तीसरा वाला 360 में लगाता है और चौथा वाला कितनी देर में लगाता है, चौथा वाला 450 सेकेंड लेता है। तो कितनी देर के बाद मिलेंगे इनका एलसीएम में निकालना होगा। हमने मान लिया 200 है, 300 के पास गए तो 100 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब 360 कितना होता है भाई 360, अब यहाँ से मैक्सिमम हम लोग कितना ले सकते हैं, देखो 40 ले सकते हैं, यहाँ से कितना ले सकते हैं 40, 3 है यानी कि 40 × 3 = 120 और 12 × 3 = 36 यानी कि 3 से और में गुणा करना पड़ेगा तो 360 हो गया। अब यहाँ पे कितना है 450, तो यहाँ से देखो मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं 5 × 4 होता है 20, 50 ले सकते हैं और 50 × 3 = 150 और 15 × 3 = 45, टोटल यहाँ पे कितना आएगा 20 × 3 = 60 यानी कि 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18, 1800 आएगा, यानी कि 1800 सेकेंड के बाद इनका मिलन होगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप क्लास पूरा देखेंगे तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको एलसीएम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब हम लोगों ने एलसीएम पूरा कवर कर लिया, एलसीएम क्या होता है, कितने तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के और कितने फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके एलसीएम में बन सकते हैं,
वो सारे हम लोगों ने अब कवर कर लिए। अब हम लोग SCM स्टार्ट करेंगे और SCM में भी इसी तरीके से हम लोग SCM पूरा कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।